हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बिगिनर सीरीज़ में आपको बेसिक चीज़ बनाना सिखाऊंगी, तो आज हम बनाएंगे एक कर्चेट का फ्लावर, जो कि आप जैसे कि आप लोग स्वेटर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं बच्चों के लिए, उसमें जो पॉकेट्स रहते हैं उसमें आप ऊपर डाल सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक लूप बना देंगे, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ऐसे लूप बना के आपको 6 चेन्स लेने हैं, 1 2 6 चेन लेने के बाद आपको ये जो पहला चेन था इसमें आपको इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद ये जो आपका जो छोटा ऊल है आप इस पर स्टिच कीजिए, ताकि आपको आसानी रहे और ये अंदर ही वाइंड अप हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने ये जो स्टिच किया है तो इसमें चाहे तो आप सिंगल कर्चेट का एक कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको सिंपल में बताने जा रही हूँ कि ऐसे आप चेन स्टिच कर लीजिए, हालांकि ये चेन आपको दिखेगा नहीं इस फ्लावर में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेन 4 करेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे, तो हम ये चेन को ये ऊल को हम दो बार रैप किए, उसके बाद पहले दो चेन से निकालेंगे, फिर दो चेन से और फिर दो चेन से। तो ये आपका पहला बना, ऐसे हमको दो टाइम और रिपीट करना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेटल बनने जा रहा है। तो एंड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम शुरू में ये 4 चेन किए थे वैसे ही 4 चेन करेंगे, 1 2 3। और इसी में इसी चेन जो लूप बनाए हैं हम राउंड, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट पेटल बन गया, तो हम अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पेटल बन गया। तो ये जो चेन हम अभी स्लिप स्टिच किए, तो इसमें से हम अपना दूसरा पेटल बनाएंगे। ये देखिए फिर भी वही रिपीट करेंगे, हम 4 चेन कर लेंगे, उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। उसके बाद चेन 4 करके इसको जॉइन कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पेटल हो गया था, ये हमारा दूसरा पेटल हो गया, ऐसे हमको 5 पेटल्स करने हैं।
देखिए, पहला ये जो ये है, ये आप ऐसे फ्लावर बना सकते हो। पहला फ्लावर ये है, आप ऐसे फ्लावर करके यहाँ पे धागा को वाइंड अप कर सकते हैं, तो आपका फ्लावर ऐसे बन जाएगा। लेकिन ये हम 5 पेटल्स का बना रहे हैं, तो हमको और 2 पेटल्स करने हैं। ये देखिए, ये हमारा 4 पेटल्स का फ्लावर हो गया। आप 4 पेटल्स का भी फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसमें एक 4 पेटल्स सॉल्व बनता है, 4 पेटल्स फ्लावर में। तो वो फ्लावर में जो बनता है, मैं आपको बताऊंगी आगे कि इसमें जो सॉल्व बनता है वो कैसे बनता है। फिलहाल और एक पेटल कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा लास्ट पेटल बन गया और ये हमारा 5 पेटल्स का कर्चिट फ्लावर रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि 5 पेटल्स फ्लावर कैसे बनाते हैं हम लोग। तो अगर आप को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप कुछ सीख रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।